दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शेयर का जो है क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। क्वार्टर के रिजल्ट के बाद जो मूवमेंट है स्टॉक में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्या स्टॉक में अभी टाइम पे बाइंग हमें पॉजिटिव बनानी चाहिए या फिर नहीं। बिकॉज आप देखेंगे तो स्टॉक का जो मूवमेंट है वो कुछ हमें ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिला है। कंसोलिडेशन जोन के अंदर स्टॉक हमें चलता हुआ देखने को नजर आ रहा है। सो आज हम अपॉर्चुनिटी की बेसिस पर बात करेंगे। वहीं अगर आप देखें कंपनी का मार्केट कैप 1077 करोड़ का है, एंटरप्राइज वैल्यू 4616 करोड़ की है, आपकी बुक वैल्यू माइनस में हमें दिखाई दे रही है, वहीं कैश 479 करोड़ का देखने को मिला और डेप्ट 4000 करोड़ का कंपनी के पास है। सो कहीं ना कहीं कंसिडर करें तो डेप्ट भी ज़्यादा है कंपनी के पास। लेकिन आप देखेंगे तो स्टॉक एक पेनी स्टॉक है और स्टॉक में मूवमेंट ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑपरेटर का रहा है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताता रहा हूँ। सो अगर हम क्वार्टर बेसिस पर बात करें इसके रिजल्ट की, तो चलिए वो भी देख लेते हैं अराउंड। इस बार आप देखेंगे तो हमें कोई भी डिक्रीज नहीं देखने को मिला है, डिक्रीमेंट नहीं देखने को मिला है। मार्च 2023 में भी 3.32 की प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिली जो दिसंबर 2022 में थी। अब अगर हम बात कर ले इस स्टॉक में कि क्या हमें रिजल्ट देखने को मिले, तो रिजल्ट आपको बहुत नेगेटिव में देखने को मिले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिली है, 755 करोड़ पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपैरिजन करें तो। देखिए यहाँ पे आप आएंगे तो ये पिछले मार्च का है और यहाँ पे आएंगे तो ये इस वाले 2023 के मार्च का है। ये दिसंबर अक्टूबर ये हमारा हो गया समथिंग अराउंड। इससे अगर आप कंपैरिजन करें तो पिछले तीन क्वार्टर से हमें कहीं ना कहीं इस बार ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में। और वहीं अगर हम लायबिलिटीज़ और एसेट्स की बात कर ले तो कंपनी में एसेट्स भी लगातार गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए या तो कंपनी का पूरा पूरा मूड बन चुका है, कोई प्रॉफिट बना के नहीं देना है कंपनी में, बस अगर दम है तो फिर वो ये रिस्की स्टॉक्स के जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं कि जो ये सोचते हैं रिस्की स्टॉक में आ जाओ, एक रुपये का स्टॉक है अराउंड खरीद लो। बट यार आप अगर देखोगे स्टॉक में अब दम नहीं बचा है। जब दम था तब मैंने भी इसको ख़रीदा था और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया था और स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर किए थे। लेकिन इस टाइम पे आप देखें कोई दम नहीं बचा है। मेरे ख्याल से आपको वेट करना चाहिए स्टॉक में जब तक, देखिए अगर आपको आना है मैं आपको नहीं रोक पाऊंगा, बिकॉज आपका पैसा है, आपका पैसा है, आप अपने हिसाब से डील करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है जो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि FII और DIS की एंट्री है इसके अंदर। तो अगर FII और DIS हैं तो ये प्रॉफिट जरूर बना के निकलेंगे इससे, ऐसा तो मैं मानता हूँ। बिकॉज ये कभी भी अगर किसी स्टॉक के अंदर एंट्री बनाते हैं तो प्रॉफिट जरूर अपना बना के ही जाते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी कि इनके साथ साथ अगर आप प्रॉफिट बना सकते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इस जगह पे आप देखेंगे तो टोटली ऑपरेटर जो ऑपरेटर डिपेंडेंट स्टॉक है, अराउंड आप देखेंगे 1000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, वहीं 4000 करोड़ का डेप्ट है कंपनी के पास। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव बात हो जाती है। तब भी इसमें FIDS इसलिए हैं क्योंकि वो मूवमेंट कैप्चर करके इस स्टॉक में क्या है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो उनको ट्रैप करते हैं। अब जब ये ट्रैप करें तब आपको इसमें अच्छी खासी पोजीशंस बनानी है। अराउंड आप देखेंगे 6 महीने में ही अगर हम देख ले 0.65 से लेकर 0.9 के लेवल्स हमें देखने को मिले थे स्टॉक के अंदर अंदर। अगर आप 0.8 पर भी सेल करते तो 15 पैसे का आपको रिटर्न मिल रहा है, वो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। 60 पैसे के स्टॉक में 15 पैसे का रिटर्न, 40% या 35% के लगभग आपको रिटर्न मिल गया अराउंड 3 महीने के अंदर, नहीं 3 महीने के बीच में, अप्रैल से लेकर यहाँ पे मई के बीच में। सो ये चीज़ आप अगर कर सकते हैं तो आप स्टॉक में आइए, अदरवाइज आपके लिए स्टॉक बिल्कुल भी नहीं, अवॉइड कर सकते हैं आप। क्योंकि स्टॉक में ये रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाता है और फंसाने के टाइम पर ही जब ये अपर साइड भागता है तब आप इसके कैप्चर करिए मूवमेंट को, बाइंग साइड जाइए, स्टॉक पर डेली नज़र बनाइए कैसा मूवमेंट आ रहा है। अगर आपको एक प्रॉफिट वाइज कमाना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कम अमाउंट आपके पास है, लाइक अगर आप इतने बड़े इन्वेस्टर नहीं हैं तो आप हाँ बिल्कुल आ सकते हैं स्टॉक में। स्टॉक को डेली बेस पर एनालाइज कीजिए और आप हमको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। अभी आप देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी स्टॉक में कंसोलिडेशन आ चुका है और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे भी गिरा है, तो स्टॉक अपसाइड भागेगा और अराउंड आपको ये स्टॉक के टारगेट में बता देता हूँ 1.2 के पास, ये जो इसका लेवल है यहाँ तक ये स्टॉक जाएगा। तो अगर आप फिलहाल इसको थोड़ा सा नीचे गिरने दीजिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर है तो आप हल्का सा नीचे जाए अराउंड इसका प्राइस पॉइंट, अगर अभी के टाइम पे 0.85 है तो 0.7 पर करें बाय। ओके, अगर आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, जाएगा तो ऊपर ही, क्योंकि अब मूवमेंट थोड़ा सा कैप्चर करने का टाइम आ चुका है ऑपरेटर्स के लिए। भले ही इसमें लॉस हुआ है लेकिन ये स्टॉक अपसाइड जाएगा, ये इसमें लाजमी है। बिकॉज इसमें जो FII DIS हैं वो कहीं ना कहीं रिटेलर्स को फंसाएंगे इस टाइम पे, उस टाइम में आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाकी आपकी जो कमेंट में आप क्वेरीज वगैरह है वो पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। होल्डिंग बना कर रखें, होल्डर्स जो इसके अंदर हैं होल्डिंग करके रखें उनको मैं सलाह दूंगा कि अभी होल्डिंग बना कर ही रखें।